यारी दिल तसलाई यारी दिल तनवाई कभी कर गुन तेरे आगे ढूंढ बाबरी जिसका नाम सब रंड जिसका चाल सट रंड पाल कोम से करे है ये बिलोंग बावड़ी जिसका नाम सब रंड जिसका चाल सट रंड पाल कोम से करे है ये बिलोंग बावड़ी। वेलकम टू नीरज सेलिब्रिटी न्यूज। आज हम एक ऐसे समाज सेवी की बात करने वाले हैं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। हम ही नहीं पूरा भारत इस राजनीतिक के उभरते चेहरे को जानता है जो अपने जज्बा और अपने कठिन परिश्रम से गरीब और उदास लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। इस लाइव स्टोरी वीडियो में बात करेंगे शुभम पाल की। अगर आप शुभम पाल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और इस वीडियो में ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपको पता नहीं होगी। यह अपनी एक्टिंग और मॉडलिंग को छोड़कर पॉलिटिक्स में क्यों आए यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इनका नाम शुभम पाल, इनका जन्म देहरादून में हुआ। 2021 के हिसाब से इनकी एज 23 साल हो गई है। इनकी हाइट 5 फीट 7 इंच है। सेंटीमीटर की बात करते हैं 170 सेंटीमीटर। बॉडी मेजरमेंट की बात कर चेस्ट 42 इंच बेस्ट 30 इंच बाइसेप्स 13 इंच है। वेट की बात करते हैं 70 केजी। आई कलर की बात करते हैं ब्लैक। हेयर कलर की बात करते हैं ब्लैक। बात करते हैं लाइफ स्टोरी की। इनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में देहरादून में हुआ तो इनके माता पिता को बहुत खुशी हुई। शुभम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। इनकी एक बड़ी बहन भी है। शुभम ने अपनी पढ़ाई देहरादून में करने के बाद इन्होंने सोचा कि हमें हीरो बनना है। फिर वह हीरो बनने के लिए बॉम्बई चले गए और बॉम्बई में मॉडलिंग और एक्टिंग की क्लास लेना शुरू कर दिया। मॉडलिंग और एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद इन्होंने कई नाटक और टीवी शो में काम किया। शुभम ने एक इंटरव्यू में बताया है, मैं कभी कभी अपने दादा दादी के यहाँ गांव में जाया करते थे। इनका गांव कंचौसी और यह उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। गांव में उन्हें बहुत अच्छा लगता था और लोगों की मदद करना इनके स्वभाव में है। इसलिए शुभम ने डिसीजन लिया, मैं यहीं रहकर लोगों की मदद करेंगे और पॉलिटिक्स में काम करेंगे। लोगों की मदद करने के जुनून ने अपने माता पिता और देहरादून को छोड़कर जिला और या उत्तर प्रदेश में चले आए। यहां पर आकर लॉकडाउन 2019 में लोगों की मदद करना शुरू किया। वहां पर लोगों को यह भी पता नहीं था कि कोविड-19 बीमारी क्या है और कब तक चलेगी। लेकिन मजदूर लोगों का काम काज सब बंद हो गए थे। लोगों के पास जब खाना खाने के लिए राशन नहीं था तब समाज सेवी शुभम पाल ने गांव-गांव जाकर भ्रमण किया और गरीब लोगों को राशन और उनकी आर्थिक मदद की। वहां से शुभम पाल फेमस होने लगे। फिर इन्होंने लोगों की समस्याओं को हल करने लगे। बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। शुभम को लोगों से मिलना अच्छा लगता है। इन्हें कारों का बहुत शौक है। इन्हें ट्रैवलिंग करना ज्यादा पसंद है। इन्हें बाल बड़े रखने का बहुत शौक है। बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन की तो इनके पास 5 से 6 कारें हैं। मर्सिडीज बेंजो GLX प्राइस की बात करते हैं 1 करोड़ रुपए। फोर्ड एंडेवर प्राइस की बात करते हैं 33 लाख रुपए। टोयोटा फॉर्च्यूनर प्राइस की बात करते हैं 30 लाख रुपए। महिंद्रा थारो प्राइस की बात करते हैं 15 लाख रुपए। 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो हैं जिसकी प्राइस की बात करते हैं 13 लाख रुपए। शुभम पाल की लाइव स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हम लोगों को देखिए, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं संभल हर पूरी कोशिश है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। बच्चा हो, बड़ा हो, भूखे ना रहे।